everyone welcome to our youtube channel audioverse genius dr black belly miss chapter 2901 to 2910 ऐसी चौंका देने वाली खबरें उन्हें गहरे चिंतन में खींच ले गई यदि उसके प्रभु ने जूनवू याओ को निशाना बनाने के लिए जीवन और मृत्यु का कीड़ा बनाया तो उसे कैसे पता चला कि जूनवू याओ प्रकट होगा यह बात किसी को नहीं पता थी हर कोई केवल पहले निकल सकता था और इस मुद्दे पर अलग से सोच सकता था अदिति ने अस्थायी रूप से एल्डर लोगों को सेक्रेट मेडन हॉल में बंद कर दिया कुछ दिनों बाद गुयिंग के आने की प्रतीक्षा की शायद उसे गुयिंग से एक सफलता मिल सकती है बिल्कुल स्वर किसी की इच्छाओं का पालन नहीं करता गुयिंग के पवित्र पर्वत पर पहुंचने से पहले उनके भगवान की खबर पहले ही दे दी गई थी अदिति की दोहरी आत्मा अंगूठी की ताकत के कारण उनके भगवान को पहले से ही पता था और उन्होंने इस पर बारीकी से ध्यान दिया था संदेश भेजने वाले व्यक्ति ने अदिति को सीधे बताया कि उसे अपने भगवान से मिलने के लिए तुरंत पवित्र शहर जाना है इस खबर ने अदिति की योजना को पूरी तरह से बाधित कर दिया लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह उचित था चीजें जल्दी में थी और अदिति गुयिंग के आने तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी उसी समय हानजी फेई और जून बुने अदिति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधे दिन पहले ही निकलने का फ़ैसला किया जब डुआन क्यूई ने खबर सुनी तो उसका मूड और भी जटिल हो गया उसने सोचा कि उसका भगवान अदिति को लंबे समय के लिए दूर ले जाएगा उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा अचानक हो जाएगा एकमात्र बात यह थी कि अदिति ने पहले ही यानशी को चुन लिया था भले ही वह जनजाति में नहीं थी फिर भी वे आशान्वित थे लेकिन जिस रात अदिति और अन्य लोग प्रस्थान करने वाले थे एक समाचार ने डुआन क्यूई का सपना तोड़ दिया यानशी को अदिति के साथ चले जाना चाहिए था और अदिति ने पहले ही अच्छी तैयारी कर ली थी एल्डर लो ने लिंगर सहित जो कुछ भी हुआ उसे भुलाने के लिए अमृत का उपयोग करके संकेत भी दिए थे वैसे लिंगर अपने ही समूह के लोगों में घुली मिली हुई थी और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी हालांकि जब अदिति ने यानशी को साथ चलने के लिए कहा तो ये शाह जो यानशी के निवास पर गया था थोड़े समय में लौट आया और अदिति के कानों में एक संदेश दिया यानशी मर चुका है ये शाह ने कहा अदिति थोड़ा ठिठक गई क्या चू जो जाने के लिए तैयार था अवाक रह गया क्या चल रहा है मृत क्या चल रहा है कियाओ चू ने जल्दी से पूछा ये शाह ने जो कुछ भी सुना वह सबको बताया यानशी को उसके कमरे में मार दिया गया था और उसे मारने वाला व्यक्ति हान शू था डुआन क्यूई और अन्य ये शाह से एक कदम आगे पहुंचे वे जाने से पहले यान शी को समझाना चाहते थे लेकिन उन्होंने उसे मार डाला उन्हें उम्मीद नहीं थी और उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया उन्होंने खूनी मंजर देखा हाथ में खून से सना खंजर लिए हुए हान शू खून से लथपथ चुपचाप बैठी रही उसके बगल में यान शी लेटी हुई थी जिसकी सांसें थम चुकी थी उस दृश्य ने डुआन डुआनक्यूई को झकझोर कर रख दिया लोगों को आता देख हान शू अचानक हंस पड़ा उसकी पागल और टेढ़ी मेढी हंसी ने पूरी जनजाति को झकझोर कर रख दिया हान शू ईर्ष्या और घृणा के कारण पागल हो गया था वह यानशी द्वारा छीने जाने का आखिरी मौका बर्दाश्त नहीं कर सकी इसलिए उसने जाने से पहले यानशी को मार डाला वह नहीं चाहती थी कि यानशी को वह मिले जो उसे नहीं मिल सकता था ये दो लोग जिन्हें सहयोगी माना जाता था मृत्यु और पागलपन में समाप्त हो गए इससे दुआन क्यूई की इच्छाधारी सोच भी गिर गई अपने भगवान के आदेश के कारण दुआन क्यूई और बाकी लोग अदिति को अस्थायी रूप से व्यक्तियों की बलि देना चाहते थे लेकिन उनके पास पर्याप्त समय नहीं था अंत में अदिति अपने साथियों के साथ चली गई लेकिन पूरी पवित्र युवती जनजाति में सन्नाटा छा गया पवित्र शहर ऊपरी क्षेत्र के सबसे केंद्रीय स्थान पर स्थित बेहतर शहरों से घिरा हुआ था यह ऊपरी तीन क्षेत्र की सबसे लाभप्रद भूमि पर बैठा और सबसे व्यापक भूमि पर कब्जा कर लिया साथ ही पवित्र शहर भी ऊपरी दायरे में हर किसी के चढ़ने के लिए सबसे ऊंचा स्थान था ऊपरी क्षेत्र के विशेषज्ञ बादलों की तरह थे वास्तविक अभिजात वर्ग सभी पवित्र शहर में केंद्रित थे क्योंकि वहां ऊपरी क्षेत्र का सर्वोच्च शासक कमान संभाल रहा था चाहे वह विनाश के शूरवीर हो या शीर्ष दस विशेषज्ञ वे पहले ही पवित्र शहर में रहने के लिए ऊपरी क्षेत्र के अन्य शहरों को छोड़ चुके थे इन शीर्ष विशेषज्ञों के अलावा ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश ताकतवर लोगों को भी जीवित रहने के लिए उनके भगवान के आसपास पवित्र शहर में इकट्ठा किया गया था यदि आप यह कहें कि बेहतर नगर स्वामी सभी उत्कृष्ट थे तो पवित्र शहर में एक आकस्मिक रक्षक की तुलना सामान्य नगर प्रभुओं से की जा सकती है यह कहा जा सकता है कि पवित्र शहर ऊपरी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली शहरी शक्ति थी पवित्र शहर में प्रवेश करना आसान नहीं था जिस किसी को भी पवित्र शहर में प्रवेश करने का अवसर मिला उसे अपने भगवान द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच करनी पड़ी स्वर्ण आत्मा के शिखर के बिना पवित्र शहर में जगह पाना बिल्कुल असंभव था केवल वे विनम्र सेवक ही सेवा करने के लिए पवित्र शहर में प्रवेश कर सकते थे उनकी निम्न स्थिति यही तक सीमित थी पवित्र शहर में जो बाहरी लोग प्रवेश करना चाहते थे उन्हें ऐसा करने के लिए शहर का आदेश प्राप्त करना पड़ता था हालांकि शहर समृद्ध और शानदार लग रहा था शहर का द्वार थोड़ा सुनसान लग रहा था शहर के अंदर के लोग दूसरे शहरों में जाने से कतराते थे जबकि शहर के बाहर के लोग शायद ही कभी प्रवेश करने के योग्य होते थे आज पवित्र शहर के द्वारों पर कुछ रौनक सी लग रही थी आम दिनों में सुने रहने वाले गेटों पर इन दिनों काफी भीड़ थी हाँ एकमात्र महिला और उनके प्रभु की प्रशिक्षु थी बाहरी लोगों के दृष्टिकोण से वह एक विशाल आभा के साथ पैदा हुई थी इस शक्तिशाली शक्ति ने मूल शीर्ष दस विशेषज्ञों को अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया इतना शक्तिशाली व्यक्ति मारा गया कुछ लोगों को ये खबर वाकई अविश्वसनीय लगी बेशक यह सच है अन्यथा आप कैसे सोचते हैं कि शीर्ष दस विशेषज्ञ दूसरों के लिए जगह बनाएंगे हे भगवान लॉर्ड लो किंगचेंग जैसा गुरु देना कितना भयानक चरित्र हो सकता है लोगों का एक समूह अंगूर की बेल पर सुनी हुई सभी बातों का आदान प्रदान करते हुए शोर शराबा कर रहा था वे पवित्र शहर के लोग नहीं थे और न ही उन्हें, उन्हें शीर्ष दस विशेषज्ञ चयन परीक्षणों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था वे पूरे बहत्तर शहरों से आए थे वे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए केवल अपने स्वामी के साथ गए थे पवित्र शहर में जो लोग सामान्य दिनों में अहंकारी और विश्वासघाती थे वे केवल इस दौरान आज्ञाकारी व्यवहार कर सकते थे क्या आपके सभी सिटी लॉर्ड्स शहर में प्रवेश कर चुके हैं एक बड़े हटेकट्टे आदमी ने उसी मेज पर बैठे लोगों की ओर देखा उन लोगों ने तुरंत सिर हिलाया देखो इतने अच्छे अवसर के साथ सिटी लॉर्ड्स आने के लिए अनिच्छुक कैसे हो सकते हैं लेकिन वक्ता ने ध्यान से इधर उधर देखा और फुसफुसाया मैंने सुना है कि इस बार उन्हें भी आमंत्रित किया गया था मुझे लगता है कि उस ताकत के साथ मुझे डर है कि उन्हें भाग लेने की भी जरूरत नहीं है आखिरकार कुछ ही लोग उस ताकत की बराबरी कर सकते हैं वह आदमी अस्पष्ट था लेकिन हर कोई जानता था कि वह किसके बारे में बात कर रहा था अब बेहतर शहरों में पहला व्यक्ति व्हाइट नाइट सिटी से लॉर्ड बाई झू नहीं था लेकिन वह व्यक्ति जिसने एक ताकत से बेहतर शहरों में दस लाख सैनिकों को मार डाला सी स्पिरिट सिटी लॉर्ड यानहाई उस युवक ने सीधे तौर पर बेहतर शहरों में सभी व्यवस्था को तहसनहस कर दिया था बेहतर शहरों द्वारा हजारों वर्षों से बनाए गए संतुलन को तोड़ दिया था और बेहतर शहरों को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था बेहतर शहरों की तुलना में उस व्यक्ति की ताकत में बिल्कुल कोई प्रतिरोध नहीं था बेहतर सिटी लॉर्ड्स जो लॉर्ड्स के बीच शीर्ष पर रहने की होड़ कर रहे थे पहली बार हार गए थे वे केवल उस व्यक्ति के सामने झुक सकते थे मूल रूप से सभी ने सोचा था कि जिस व्यक्ति ने पूरे बहत्तर शहरों पर कब्जा कर लिया वह शहरों के बेचैन दिलों को दबाने के लिए खूनी तरीकों का इस्तेमाल करेगा भले ही वह पहले उन सभी को नहीं मारेगा फिर भी वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा आखिरकार उन्होंने लोगों को सी स्पिरिट सिटी पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था और फिर हार के बाद सिर झुका लिया नफ़रत पैदा हो गई थी लेकिन किसने सोचा होगा कि सी स्पिरिट सिटी लॉर्ड जिसने बहत्तर शहरों के अधिपति का पद जीता था उसके पास कोई कार्रवाई नहीं होगी संपूर्ण सी स्पिरिट सिटी शांतिपूर्ण थी और ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं हो वे सिटी लॉर्ड्स जो लंबे समय से डरे हुए थे उन्हें भी लगा कि वे सपना देख रहे हैं ये व्यवहार वाकई अजीब था कौन उस क्षति और अधिकार के साथ ऊपरी लोगों में आना चाहेगा और फिर भी उन सिटी लॉर्ड्स को जीवित रखेगा किसी को यह कहना पड़ा कि बेहतर शहरों में हर कोई इस अजीब व्यवहार से हैरान था उस शख्स के मन की बात अब तक कोई नहीं समझ सका इसमें तुलना करने लायक क्या है तुलना करने पर भी किस श्री लॉर्ड ने वास्तव में उससे लड़ने का साहस किया वो इंसान तो जीने से थक गया होगा बगल में बैठा बड़ा आदमी गुनगुना रहा था चिंकियां हाथियों से कैसे लड़ती हैं इसके अलावा उस तरह की ताकत सिटी लॉर्ड्स की तो बात ही छोड़िए यहां तक कि शीर्ष दस विशेषज्ञ भी इसका सामना नहीं कर सके चर्चा गर्म थी और आवाजें धीरे धीरे बढ़ती गई सौभाग्य से अधिकांश रिस्तरा में बेहतर शहरों के आगंतुक थे जिन लोगों ने बात की उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ उनमें से अधिकतर को ऐसा ही लगा लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रेस्तरा के कोने में कई आकृतियां चुपचाप देख रही थी मैंने कहा उनके भगवान का क्या मतलब था नन्ही अदिति को यहां बुलाकर क्या उसका इरादा उसे देखने का नहीं था शहर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने छोटी अदिति को रेस्तरां में रहने और कुछ दिनों में शीर्ष दस विशेषज्ञों के चयन में भाग लेने की व्यवस्था की क्या उसे लगता है कि उसके आदमी बहुत ज्यादा आक्रामक थे इसलिए वह कुछ लोगों को मारने के लिए छोटी अदिति का सहारा लेना चाहता है किऊचू ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और मेज पर बैठे और बात कर रहे लोगों की ओर देखा क्याओचू के साथ मेज पर उनका पूरा गिरोह बैठा था वे दो दिन पहले पवित्र शहर पहुंचे जिस दूत ने पवित्र पर्वत पर संदेश भेजा था वह चिंतित था और वे पवित्र शहर की ओर दौड़ते हुए नहीं रुके पवित्र शहर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने पूरी मनोवैज्ञानिक तैयारी की थी और इस बार उन्हें सभी घटनाओं के पर्दे के पीछे के व्यक्ति से मिलना था सभी ने अदिति के लिए खूब पसीना बहाया लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र शहर में प्रवेश करने के बाद उनके भगवान ने अदिति को उनसे मिलने के लिए नहीं कहा था इसके बजाय उसने उसे अस्थायी रूप से शहर के रिस्तरा में रहने के लिए कहा और अदिति को दस दिन बाद होने वाले चयन में भाग लेने के लिए कहा विशेषज्ञों के पूरे चयन के दौरान अदिति से मुलाकात का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ इससे कियाओचू को राहत महसूस हुई लेकिन साथ ही वे उदास भी थे क्या रहते क्या उसे इसमें भाग लेने की जरूरत भी थी क्या उसके प्रभु के साथ कोई समस्या थी चयन के लिए आए प्रतिभागियों का तो जिक्र ही नहीं शीर्ष दस विशेषज्ञ भी पर्याप्त अच्छे नहीं थे कौन जानता है मां जून ने भी कहा था कि उनके भगवान का स्वभाव अजीब था उसे कोई नहीं समझ सकता लेकिन मुझे लगता है कि यह मुझे क्यों घराना चाहिए अदिति को आश्चर्य हुआ लेकिन आप अब उस व्यक्ति से निपटने जा रहे हैं ने एक गुप्त इशारा किया ऊपरी क्षेत्र का वह शासक तीन क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली स्वामी भी था वह शक्तिशाली तो था ही धूर्त भी था अपने चरम पर जून वु याओं उसके जाल में फंस गया था आज नहीं तो कल तनाव क्यों अदिति ने उदासीनता से कहा जब शब पहुंचे तो उसने जून वु याओं की ओर देखा आप कमरे में रह सकते हैं दरअसल अदिति अपने भगवान से मिलने को लेकर घबराई नहीं थी वह जून वु याओं के बारे में अधिक चिंतित थी हालांकि जून वु याओं ने यह कभी नहीं कहा था अदिति को लगा कि उसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके भगवान ने इस मामले पर बहुत ध्यान दिया था यह उसके जीवन की एकमात्र असफलता थी वह चिंतित थी कि क्या जून वु याओं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है जब वह अपने भगवान के इतना करीब था जून वु याओं ने अदिति की ओर देखा उसकी आंखों में उसने बेचैनी और चिंता की झलक पड़ी वह गर्माहट भी अनमोल थी उसने अपना हाथ उठाया और उसके छोटे से सिर को धीरे से रगड़ते हुए अपने मुंह के कोने पर एक सौम्य और बिगड़ैल मुस्कान लाई मैं तुम्हें अकेले लड़ने देना कैसे सहन कर सकता हूं बहुत गर्मी थी तो अदिति थोड़ी सहम गई उसका चेहरा लाल हो गया और सिर नीचे कर लिया क्याओचू और अन्य लोग ऐसे दिख रहे थे मानो वे आंतरिक रूप से घायल हो गए हों क्याओं जून वु से पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका एक अकेला युद्ध क्या है भाई वु की नजर में क्या उन्हें कुछ लोग नहीं माना जाना है अचानक उसे इतना थका हुआ महसूस हुआ कि वह फिर कभी प्यार नहीं करेगा जिस तरह क्याओचू और अन्य लोग अभी भी इस बात से जूझ रहे थे कि क्या उन्हें जून वु की नजर में लोग माना जाएगा रिस तरह के प्रवेश द्वार पर धीरे धीरे एक गुलाबी आकृति दिखाई दी अंदर पुरुष हर जगह इधर उधर बातें कर रहे थे तुरंत सभी लोग चुप हो गए और वे गुलाबी स्पर्श को देखने से खुद को नहीं रोक सके यह एक तेजस्वी और सुंदर महिला थी हालांकि उसकी शक्ल बहुत खूबसूरत नहीं थी लेकिन वह उतनी ही आकर्षक थी जिससे लोग नजरें हटाने से कतराते थे भीड़ की निगरानी में महिला धीरे धीरे भीड़ को पार करती हुई रेस्तरां के कोने में एक टेबल की ओर चली गई रेस्टोरेंट में मौजूद कई पुरुषों की निगाहें उत्सुकता से महिला के शरीर पर टिकी हुई थी जब वे विचलित हो गए और मुड़ गए तो महिला ने अचानक अपना सिर घुमाया और मुस्कुराहट के साथ रेस्तरा में घूम गई डांग एक आदमी कुर्सी से सीधे हुक पर गिर गया और आवाज़ ने तुरंत उसके आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया वह केवल अजीब तरीके से और जल्दी जल्दी उठ सकता था वह महिला जिसने हंगामा किया लेकिन कोने में स्क्रीन के पार चुपचाप छिपकर गायब हो गई जब वह स्त्री अदिति की मेज के पास गई तो मनमोहक मनमोहक मुद्रा एक क्षण में ही छिन्न भिन्न हो गई महिला ने गुलाबी पोशाक उतार दी पैरों पर झुक गई उसने कियाओ चू के कफ को उठाया उसके हाथ से चिकन रमस्टिक्स छीन ली और उसे खा लिया उसके चाचा मैंने लंबे समय से इस तरह के कपड़े नहीं पहने हैं लगभग मुझे मौत के घाट नहीं उतारा चू जल्दी करो मेरे लिए एक गिलास पानी डालो मैं इस कॉलर के कारण सांस नहीं ले सकता औरत फूट पड़ी उसने अपनी गर्दन के चारों ओर बंधी जाली को खींच लिया जिससे स्पष्ट और अचानक गला उजागर हो गया क्याओचू ने अपनी लार निगल ली और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने एक मिनट में सुंदरता को तोड़ दिया था लेकिन उसके पास अपने चिकन डोमेस्टिक के बारे में सोचने का समय नहीं था उसने बस एक गिलास पानी डाला और महिला को दे दिया फैन झूओ ने अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और फी यान की ओर देखा जिसने किताब पलटने की तुलना में तेजी से अपना चेहरा बदल लिया आश्चर्य की दृष्टि से वह थोड़ी देर बाद शामिल हुआ पुरुषों का महिलाओं के रूप में भेष बदलने से उन्हें सचमुच ताजगी महसूस हुई हर बार फी फीयान की पोशाक की प्रकृति को देखकर वह उन पुरुषों के लिए दुखी होने से खुद को रोक नहीं पाता था जो बाहर से फी फीयान द्वारा भ्रमित थे यदि वे जानते थे कि जिस महिला की वे प्रशंसा करते थे वह वा वास्तव में एक शक्तिशाली शुद्ध पुरुष था मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्हें कैसा महसूस होगा मुझे कहना होगा यानर तुम इस उमस भरे बुरे स्वाद को कब बदल सकते हो क्याओं ने ईमानदारी से कहा और चाय की पेशकश की वह फुसफुसाए बिना नहीं रह सका इससे पहले कि वे स्क्रीन के अंतराल से गुजरते और फेई यान को देखते उसने अभी जो व्यवहार देखा वह संपूर्ण था यह कहने के बाद कियाओचू ने रो को भी संकेत दिया जो बगल में बैठा था फी यान पहले भी कठोर और कठोर था लेकिन जैसे ही उसने कियाओचू को इसका उल्लेख करते हुए सुना उसने तुरंत अपने पैर नीचे कर लिए और ठीक से बैठ गया और उसने घबराहट से रोम रो की ओर देखा रो बस उसे देखकर मुस्कुराई जैसे उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया हो फी यान का मन फिर से बेचैन हो गया यह देखकर कि फी यान एक अंथीन चक्र में फंसने वाला था ने तुरंत कहा यानर, आज तुम्हें क्या मिला व्यवसाय की बात करते हुए गार्ड नहीं है लेकिन मैंने देखा की शहर की रक्षा करने वाले सैनिक या शहर की दीवारों की रक्षा करने वाले यहाँ तक कि सबसे कम ताकत वाले लोगों को भी गोल्ड स्पिरिट शिखर से मजबूत प्रतिपादक माना जाता है इसके अंदर कई आत्मा शिलालेख और मजबूत व्याख्याकार हैं। बेहतर शहरों में गोल्ड स्पिरिट पिनेकल निश्चित रूप से शहर में एक स्थान हासिल करने में सक्षम था स्पिरिट शिलालेखों में एक मजबूत व्यक्ति होने का तो जिक्र ही नहीं किया गया यह ज्ञात था कि ऊपरी क्षेत्र में जहां स्पिरिट रिंग प्रतिपादक दुन लगभग उसी समय कियाओचू और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में उत्सुकता देखी मैंने इस चयन के बारे में भी पूछताछ की मैंने सुना है कि बेहतर शहरों के सिटी लॉर्ड्स आए हैं वो बेशक छोटी अदिति भी शामिल है मृतकों की गिनती नहीं की गई है फे यान ने अपने मुंह पर लगे तेल को पोछा अदिति को देखकर कहा इस बार उनके भगवान ने बेहतर शहरों में सभी शहरों को निमंत्रण भेजा प्रत्येक नगर से अनेक लोग आए मैंने सुना है कि इस चयन में लोगों की संख्या अनिश्चित थी जिसमें लोग किंगचेंग और बाकी लोग भी शामिल थे उनमें से कुछ है और शीर्ष दस विशेषज्ञों में कुल तीन गायब हैं हालांकि यह चयन आमतौर पर इस पर आधारित नहीं होता है जब तक आपके पास ताकत है और आप मौजूदा शीर्ष दस विशेषज्ञों को हरा सकते हैं कोई भी नेतृत्व कर सकता है मैंने सुना है कि ऊपरी क्षेत्र के वास्तविक विशेषज्ञ वास्तव में बेहतर शहरों में नहीं है लेकिन उनमें से अधिकांश एकांत में रहते हैं उन्हें सिटी लॉर्ड के पद में कोई दिलचस्पी नहीं है वे सभी शीर्ष दस विशेषज्ञों में स्थान पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं इस बार दर्जनों स्पिरिट रिंग प्रतिपादक हैं यह वास्तव में उससे कहीं अधिक है जितना हम पहले जानते थे फियान ने उसकी ठुड्डी को छुआ सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ऊपरी क्षेत्र में स्पिरिट रिंग के प्रतिपादक लगभग बीस लोग थे हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे शक्तिशाली लोग जो ऊपरी दायरे में विभिन्न स्थानों पर रहते थे इस बार आएंगे इस बार टॉप टेन एक्सपर्ट्स चयन प्रतियोगिता काफी प्रतिस्पर्धात्मक रही पवित्र शहर में लोगों की संख्या आसमान छू रही थी और इस वृद्धि ने यह भी संकेत दिया कि लड़ाई की एक नई लहर शुरू होने वाली थी शीर्ष दस विशेषज्ञों की स्थिति ऊपरी क्षेत्र में हर किसी के लिए एक बड़ा प्रलोभन थी जो लोग ऊपर चढ़ने की चाहत रखते हैं वे ऐसा मौका नहीं चुकेंगे ऐसा लगता है कि इस चयन को गंभीरता से लिया गया है और खबर फैल गई है इस बार परीक्षक में विनाश के कई शूरवीर शामिल होंगे लेकिन मैं विशिष्ट शूरवीरों के बारे में नहीं जानता फीयान ने अदिति की ओर देखते हुए कहा अदिति की ताकत पर कोई शक नहीं था अगर कोई समर्थक था भी तो टॉप टेन एक्सपर्ट बनने में कोई सस्पेंस नहीं था लेकिन अगर जून को इस बार परीक्षक बने तो जब फीयान ने इसके बारे में सोचा तो वह उत्साहित हो गया पिता की योग्यताएं अभी भी बहुत कम है उनकी बारी आना कठिन है अदिति ने बहुत तार्किक ढंग से कहा वह अपने माता पिता से दोबारा मिलने के लिए उत्सुक थी लेकिन यह भी जानती थी कि जून वो विनाश का शूरवीर बनने वाला अंतिम व्यक्ति था अगर वह परीक्षक बनना भी चाहते तो यह इतना आसान नहीं था हालांकि फीयान द्वारा वापस लाई गई खबर ने अदिति को अजीब महसूस कराया शीर्ष दस विशेषज्ञ चयन के लिए उसने पहले भी नांगोंग ली को इसका उल्लेख करते हुए सुना था बताया गया कि टॉप टेन विशेषज्ञों में से अधिकांश परीक्षक थे आख़िरकार बहुत कम लोग थे जो उनकी स्थिति को चुनौती दे सकते थे लक्ष्य शीर्ष दस विशेषज्ञों में से अंतिम कुछ थे जब नांगोंगली ने चयन में भाग लिया तो परीक्षक लो किंगचिंग थे और इस बार हालांकि लो किंगचिंग को निचले दायरे में हिरासत में लिया गया था शीर्ष दस विशेषज्ञों के शीर्ष तीन में दो लोग थे लो किंगचिंग के बिना चयन भी उनके परीक्षकों द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए वे विनाश के शूरवीरों को अचानक क्यों सामने लाएंगे विनाश के शूरवीरों का अस्तित्व ऊपरी क्षेत्र के कई लोगों की चेतना में नहीं था केवल शीर्ष दस विशेषज्ञों की प्रतिभा ही विनाश के शूरवीर के अस्तित्व को जान पाएगी यह कदम स्पष्ट रूप से विनाश के शूरवीरों को सभी की नजरों में लाने के लिए था इस बदलाव का क्या मतलब था अदिति को समझ नहीं आया लेकिन हमेशा लगता था कि इस बार का ट्रायल पिछले सेशन की तरह आसान नहीं होगा भले ही फादर जून आएंगे या नहीं केवल आपकी ताकत पर भरोसा करते हुए छोटी अदिति शीर्ष दस विशेषज्ञों का कोई दबाव नहीं है कि आउचू ने आत्मविश्वास से कहा हालांकि वह अहंकारी लग रहा था यह वाक्य सच था पूरे ऊपरी क्षेत्र को देखते हुए अदिति के खिलाफ लड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति उसका भगवान था यहां तक कि जून गु ने खुद कहा था कि अपनी मौजूदा ताकत से उन्हें डर है कि वह अदिति से कमतर हो जाएंगे जबकि अन्य तीन शूरवीर जून गु के बराबर ताकत वाले थे स्वाभाविक रूप से वह अदिति का प्रतिद्वंद्वी नहीं था और अदिति की डोल स्पिरिट रिंग का फ्यूजन धीरे धीरे पूर्णता की ओर लौट रहा था और जब इस तरह का फ्यूजन चरम पर पहुंच गया तो यह उसकी ताकत का चरम काल भी था फेन ने प्राप्त समाचारों में से कुछ को उगल दिया और सभी ने उसके समाचारों के आधार पर एक निश्चित विश्लेषण किया पूरा रेस्तरां बहुत जीवंत था हर कोई पहले ही सुंदरता से उबर चुका था अब उनका ध्यान इस चयन पर केंद्रित था जहां तक ताकत का सवाल है बहुत कम लोग थे जो बहत्तर शहरों में शीर्ष दस विशेषज्ञों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के बहत्तर शहरों को देखते हुए केवल वे ही जो शीर्ष दस विशेषज्ञों में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकते थे वे नांगोंग ली थे जो सत्ता के लिए लड़ रहे थे इस प्रक्रिया में खेती की सघनता असीम रूप से बिखरी हुई थी जो एक कारण था जिसके कारण बेहतर शहरों से कुछ सिटी लॉर्ड्स ने भाग लिया दूसरी ओर जिन लोगों ने साधना पर ध्यान केंद्रित किया और एकांत में रहना चुना वह ठीक इसलिए था क्योंकि वे सत्ता संघर्ष से अलग होना चाहते थे ताकि वे अपना पूरा दिमाग साधना में लगा सके और अपनी अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ा सके लेकिन बेहतर शहरों के लोगों को भले ही पता था कि वे शीर्ष दस प्रतिपादकों में से एक बनने के योग्य नहीं है लेकिन इससे उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई आखिरकार उन शक्तियों के साथ निकट संपर्क में जैसे ही वह जून वो याओं के साथ लौटने की तैयारी कर रही थी सड़क पर हंगामा हो गया अदिति ने उस भीड़ की ओर देखा जो तेजी से सड़क पर कहीं की ओर बढ़ रही थी लेकिन यह उसकी केवल एक नज़र थी वह कभी भी ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसे कार्रवाई में शामिल होने की आवश्यकता थी लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुई अचानक एक परिचित आवाज़ उसके कानों में पड़ी जिससे उसके कदम रुक गए भीड़ के बीच एक नाजुक कद काठी वाला बच्चा अचानक वहां खड़ा हो गया बच्चे का चेहरा कोमल और अपरिपक्व था और उसके चेहरे की विशेषताएं बहुत नाजुक थी और उसकी बड़ी काली आंखें बहुत प्यारी थी उसने शानदार कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अमीर परिवार के घर से निकला हो के अलावा जो एहसास उसने दूसरों को दिया वह उसके दिखने से बिल्कुल विपरीत था उसके पैरों के नीचे एक भारी घायल गाड़ पड़ा था गाड़ की छाती पर चांदी के कवच में किसी चीज से एक बड़ा छेद हो गया था और गार्ड की छाती में भी एक खुला छेद था इतना कि आप हवा में खुली पसलियों को देख सकते थे बड़ी मात्रा में खून से जमीन सनी हुई थी और खून की तीखी गंध हर किसी की नाक में भर गई थी लेकिन अपरिपक्व प्रतीत होने वाला बच्चा भयभीत नहीं हुआ उसके मुंह के कोने पर एक जंगली मुस्कान थी उसने अपना सिर उठाया और सीधे उसके सामने खड़े एक सुंदर आदमी को देखा और उकसाया यह आपका कुत्ता है यह बहुत बुरा है है ना नामोंगली क्या आप शीर्ष दस में से एक नहीं है आपके आसपास कचरे का इतना अंबार क्यों है बच्चे के सामने खड़ा व्यक्ति नांगोंगली था जो सी स्पिरिट सिटी में अदिति से अलग हो गया था लेकिन इस समय नांगोंगली का सुंदर चेहरा ऐसा लग रहा था मानो बर्फ में जम गया हो उनके पास खड़े उनके दो अनुयायी भय और अनिश्चितता से भरे हुए थे के अलावा इस दृश्य से पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया किसी को उम्मीद नहीं थी कि पवित्र शहर में शीर्ष दस प्रतिपादकों में से एक नागोंगली को भड़काने की हिम्मत करने वाला कोई व्यक्ति होगा हालांकि नांगोंगली शीर्ष दस प्रतिपादकों में से अंतिम थे लेकिन शीर्ष दस प्रतिपादकों की शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसे आम लोग बिल्कुल भी चुनौती दे सके जो अन्य लोग उनसे मिले हैं वे उन्हें उचित सम्मान देंगे क्योंकि वे शीर्ष दस प्रतिपादकों को जरा सा भी नाराज करने से डरते थे हालांकि न केवल उस अजीब लड़के ने उसका सम्मान नहीं किया बल्कि उसने अपने नंगे हाथों से नांगोंगली के गार्ड को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया यहां तक कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से नांगोंगली की गरिमा को भी भड़काया जो वास्तव में अविश्वसनीय था भीड़ के बीच अदिति ने नांगोंगली को देखा जो अकड़कर जमी हुई थी और फिर उसने नांगोंगली के विपरीत बच्चे को देखा क्योंकि वह अचानक भावें सिकोर रही थी अपनी क्षमता के साथ वह स्पष्ट रूप से बच्चे के चारों ओर मौजूद आध्यात्मिक शक्ति को देख सकती थी और मजबूती की डिग्री नांगोंगली से कहीं अधिक थी तो यह वह है जून वो याओ अचानक फुसफुसाए अदिति ने उसकी ओर संदेह से देखा और धीरे से पूछा क्या तुम उस बच्चे को जानते हो बच्चा वह नहीं है जून वो याओ ने हंसते हुए अपनी और अदिति की आवाज़ को अपनी डार्क स्पिरिट से अलग कर दिया इस व्यक्ति की उम्र कमोबेश कुछ हजार साल पुरानी है लेकिन वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक विशेष तरीके से विकसित करता है और इससे उसे बच्चों जैसी उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति मिलती है जून वो याओ ने तब कहा यह व्यक्ति बाई मोह है जिसके बारे में बात करते हुए वह व्हाइट नाइट सिटी के बाई झू के साथ कुछ वंशावली साझा करता है शुरुआती दिनों में वह व्हाइट नाइट सिटी का स्वामी था लेकिन क्योंकि वह सिटी लॉर्ड बने रहना नहीं चाहता था तब से वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास करते हुए एकांत में रहता है वह एक विलक्षण व्यक्तित्व वाला निर्दयी रक्त है एक वर्ष ऐसा था जब व्हाइट नाइट सिटी अराजकता में थी एक सिटी लॉर्ड ने अनुरोध करना चाहा था कि वह व्हाइट नाइट सिटी की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने एकांत से बाहर आ जाए लेकिन इसके बजाय सिटी लॉर्ड और जिन सैकड़ों लोगों को वह अपने साथ ले गया था उन्हें बाई मो ने मार डाला और उसके निवास की मिट्टी को खून से रंग दिया अदिति क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अपरिपक्व प्रतीत होने वाला बच्चा इतना क्रूर मालिक निकलेगा जैसा कि हर कोई जानता था कि व्हाइट नाइट सिटी का नेतृत्व लंबे समय तक रक्त द्वारा विरासत पर आधारित था प्रत्येक सिटी लॉर्ड पिछले सिटी लॉर्ड की संतान था व्हाइट नाइट सिटी का सिटी लॉर्ड जो बाईमो के पास मदद मांगने गया था वह भी बाईमो से संबंधित था अप्रत्याशित रूप से बाईमो ने वास्तव में बिना पलक झपकाए सिटी लॉर्ड को मार डाला था यह सचमुच था उन्हें बहुत पहले ही शीर्ष दस प्रतिपादकों में से एक होना चाहिए था लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं उसने अभी भी इसे पूरा नहीं किया है ऐसा लगता है कि उस वक़्त चोट हल्की नहीं थी जून वो याओ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी चोट उस वर्ष मेरे ऊपरी क्षेत्र में आने के कुछ ही समय बाद इस व्यक्ति ने मेरे बारे में कहीं से सुना और मुझे खोजने के लिए आने का फैसला किया मुझे उस पर अपना समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी इसलिए मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया जब तक मैंने ऊपरी क्षेत्र छोड़ा उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बिस्तर से उठने में सक्षम नहीं था जून वो याओ के मुंह का कोना उछल पड़ा और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान तैर गई अदिति चुप रही जून वो याओ का ऊपरी क्षेत्र में बिताया गया समय कम नहीं था हल्का थप्पड़ एक प्रतिपादक को सैकड़ों वर्षों तक बिस्तर पर रखने में कामयाब रहा यह ताकत मूल रूप से अदिति बाई मो को लेकर थोड़ी सतर्क थी लेकिन जून वो याओ की कहानी सुनने के बाद वह अब बाई मो के डराव ने रवैये को एक राक्षसीरा सिखाया था उसे जून वो याओ के हाथों जीवित रहने के लिए भाग्यशाली भी माना जा सकता है अदिति अभी भी बाई मो के दुखद अनुभव के प्रति सहानुभूति रखती थी जबकि सड़क पर बाई मो और नांगोंगली एक दूसरे का सामना कर रहे थे आ वैसे मैंने सुना है कि आपने बेहतर शहरों में से किसी एक सिटी लॉर्ड्स के साथ मिली दर्द कर ली है यह कितना दुखद है शीर्ष दस प्रतिपादकों में से एक के रूप में आप बेहतर शहरों के लोगों के साथ खड़े हैं आपने वास्तव में शीर्ष दस प्रतिपादकों में से एक के रूप में अपना चेहरा खो दिया है यह कहते हुए मुस्कुराई उस मुस्कुराहट के कारण उसका अपरिपक् चेहरा असाधारण रूप से मासूम था लेकिन उसकी आंखों में हत्या के इरादे ने उसके लिए एक हानिरहित बच्चे के रूप में व्यवहार करना असंभव बना दिया था ली का चेहरा और भी बदसूरत हो गया अदिति के साथ उनके सहयोग की खबर जानबूझकर या अनजाने में बेहत्तर शहरों के लोगों द्वारा प्रसारित की गई थी और इससे शीर्ष दस प्रतिपादकों में उनकी प्रतिष्ठा काफी गिर गई थी जब से नांगोंगली शीर्ष दस प्रतिपादकों में से एक बने बेहतर शहरों में उनके जन्म के खिलाफ आलोचनाएं कभी नहीं रुकी शीर्ष दस प्रतिपादकों में से वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बहत्तर शहरों से आए थे और शीर्ष दस प्रतिपादकों में से एक बनने के बाद उन्होंने उनके साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा दरअसल शीर्ष दस प्रतिपादकों के मन में बेहतर शहरों के प्रति कोई सम्मान नहीं था उनके मन में बेहतर शहर बिल्कुल चिंतियों की तरह छोटे और विनम्र थे इस प्रकार नांगोंगली हमेशा अन्य प्रतिपादकों की जांच के अधीन रहा यहां तक कि उसे बहिष्कृत भी किया गया हालांकि नांगोंग यान के साथ पिता पुत्र के रिश्ते के कारण उन्हें उन्हें सहन करना पड़ा तुम नांगोंग यान द्वारा पाली गई एक कठपुतली मात्र हो भले ही आपके पास क्षमताएं हो फिर भी आप अपनी बदबू से छुटकारा पाने में असमर्थ है चूंकि आपको बेहतर शहर इतने पसंद है तो वापस क्यों नहीं चले जाते बाईमो ने नांगोंग ली को देख मुस्कुराया उसकी आंखें नांगोंग ली के लिए अवमानना और तिरस्कार से भरी थी बाईमो को बहुत पहले ही शीर्ष दस प्रतिपादकों के परीक्षणों में भाग लेना चाहिए था अपनी ताकत के दम पर उन्हें शीर्ष पांच में आने में कोई परेशानी नहीं होगी हालांकि उस दुर्घटना के कारण वह एक हजार से अधिक वर्षों तक बिस्तर पर पड़े रहे हाल के सौ वर्षों में ही वह धीरे धीरे ठीक हुए लेकिन वह शीर्ष दस प्रतिपादकों के लिए पिछले चयन से चूक गए थे इस बार वह अंत इस अवसर को समझने में सक्षम था और स्वाभाविक रूप से वह इसे जरा भी चूकना नहीं चाहेगा उनकी राय में अपनी ताकत के आधार पर नांगोंगली शीर्ष दस प्रतिपादकों में से एक बनने के योग्य नहीं थे उनके इस पद पर आसीन होने से दूसरों को केवल यह महसूस हुआ कि वह एक कलंक है आप क्या कर रहे हैं नांगो ने ठने स्वर में कहा क्या क्रोधित होना ठीक है क्योंकि परीक्षण दो दिनों में है क्यों नहीं मुझे यहां पर अभ्यास करने दीजिए अगर मैं तुम्हें आज मार दूं तो मैं सीधे शीर्ष दस में प्रवेश कर सकूंगा बाई मोह बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी बल्कि अधिक क्रूर थी जो लोग किनारे देख रहे थे वे अपने सामने का माहौल देखकर पहले ही स्तब्ध थे उनमें से कई लोग बाई मो की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते थे व्हाइट नाइट सिटी का केवल एक ही व्यक्ति था जिसे बहुत सोचने के बाद आखिरकार बाई मो की पहचान याद आ गई और वह चिल्लाया आप भगवान बाई मोह हैं इस चीख से लोग होश में आ गए वे भले ही बाई मो की शक्ल को न पहचानते हो लेकिन बाई मो नाम से वे अपरिचित नहीं थे वह दानव जिसने सहायता मांग रही व्हाइट नाइट सिटी की टीम को अकेले ही मार डाला बाई मो वह बाई मो है अरे बाप रे, वह बाईमो है जिसने येजू को चुनौती दी थी भीड़ के बीच ज्वार की लहर की तरह सदमा फैल गया बाई मो ने उसके द्वारा प्रेरित भय और विस्मय का आनंद लिया लेकिन जब उसने ये जो शब्द सुने तो उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। वह तुरंत बोलने वाले व्यक्ति की ओर मुड़ा और उसे भीड़ से बाहर खींच लिया